डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच वलसूडिया पुलिस द्वारा डकैती की योजना बनाते हुए सिकंदर गिरोह चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 12 बोर के 4 बंदूकें और कारतूस जब्त किए हैं। जानकारी देते हुए एसपी हेडक्वार्टर, हम भरोसा क्या हो गया तो तेरा भाई था क्या जो जिसको ला रहे था? भांजा था तेरा? ये है तूफान, तो ये असली वाला। तो असली वाला कौन है? ये तो सिकंदर काका डाली, इसकी बोले अलग डके थी। एक ही जगह डाली। कहाँ पे? लसुलिया में। तो वो जो यार जो लूट करके लगे थे जो मकान में, वो फिर कौन था? दूसरा वाला था। रिपोर्टर सूरज वर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति बाईपास पर वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से घूम रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर टीजीबी होटल के सामने से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने वर्ष 2017 में थाना बागले जिला देवास से फॉरेस्ट ऑफिसर की घर से सरकारी बंदूकें चुराई थी। साथ ही आरोपियों ने चोरी व नकबजनी की कई वारदात कबूली है। गिरफ्तार हुए बदमाशों का नाम सिकंदर, वसीम, मोहम्मद, जाकिर, राम भरोसे बताया गया है। फरार आरोपी का नाम प्रदीप कमकर है। पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच और लसुड़िया पुलिस ने मिलकर एक अंतर डिस्ट्रिक्ट गिरोह को पकड़ा है, जिसका सिकंदर गिरोह नाम से ये जो अपना ग्रुप चलाते थे, और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है डकैती की योजना बनाते हुए। एक उसमें भागने में सफल रहा अंधेरे में, और इनके पास से कब्जे की 4 12 बोर की बंदूकें मिली हैं, जो शासकीय वन विभाग की बंदूकें थी, जो 2017 में चोरी हुई थी देवास से, जिसमें प्रकरण भी कायम है और उसमें 10,000 का इनाम भी देवास पुलिस अधीक्षक द्वारा घोषित किया गया है। तो इसमें जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनका नाम है सिकंदर, जो कि देवास का मूलतः रहने वाला है, वसीम जो भी देवास का ही रहने वाला है, एक मोहम्मद जाकिर है जो खुड़ैल का रहने वाला है, और एक राम भरोसे जो हरदा का रहने वाला है। तो इन सब से पूछताछ की गई है, और एक लसुड़िया की घटना इन्होंने कबूल की है, देवास की घटना जिसमें शासकीय बंदूक गई थी वो कबूल की है, और भी पुरानी वारदातों के बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। कौन सा बाईपास है ये? जो क्राइम ब्रांच और लसुड़िया की पुलिस ने इनको जो पकड़ा है वो टीजीबी होटल के सामने बाईपास रोड से इनको पकड़ा है, और वहाँ से इनके पास से कब्जे से कारतूस और 4 12 बोर की बंदूकें जब्त हुई है। इसमें एक तो ये अलग अलग जिलों में इनके अपराध दर्ज हैं, जैसा कि देवास में भी इन्होंने घटना की है और इंदौर में भी घटना कारित की है। इसमें इनके गिरोह के कुछ लोग थे जो पहले लसुड़िया पुलिस ने इनको पकड़ा था, जो लसुड़िया में जो घटना हुई थी, पर इनमें जो मुख्य आरोपी जो ये सिकंदर था वो उस समय पकड़ा नहीं गया था, और ये अभी हम लोगों ने जो मिलकर रेड किया है उसमें सिकंदर और इनके और साथी जो पकड़े गए हैं। तो कुल मिला के ये काफ़ी समय से अलग अलग जिलों में घटनाएं कर रहे थे और पुलिस को सफलता नहीं मिली थी तब से, तो ये अच्छी कार्रवाई हुई है और शासकीय वेपन के साथ और भी चीज़ें इनसे जब्त हुई हैं।